यूपी में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। जगह जगह लगातार बारिश होने से जलभराव की समस्या भी पैदा हो रही है। तो वहीं बहराइच जिले से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां एक ईंट भट्टे में ज्यादा पानी भर जाने से दो किशोर और एक किशोरी की डूबकर मौत हो गई। दरअसल तीनों बकरी चराने ईंट के भट्टे के समीप जा पहुंचे थे, तभी यह हादसा हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि रविवार को गांव के पास भट्टे पर मवेशी चराने गए थे। बच्चे खेलते समय फिसलकर गहरे गड्ढे में जा गिरे। बच्चों के डूबने की खबर जब तक ग्रामीणों को लगी, तब तक तीनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। लड़के सब खेत में गए थे, भट्टे बगल में पानी भरा हुआ, उसी में गिर गए, डूब गए। कोई बचाने के लिए मतलब कैसे क्या था? मेरी लड़की पहले गिरी थी, फिर बाद में मेरा लड़का उसको बचाने के लिए कूदा, वो उसने बचाने गया था जी। मवेशी मतलब क्या चला रहा था? घास काटने गया था। तो क्या वहाँ किसी ने रोका नहीं? कोई वहाँ था नहीं, और जो भी थे वो लापरवाह बने रहे, बच्चे डूब गए। भट्टे पे कोई नहीं था? नहीं था भट्टे पे कोई मुंशी या उनकी लेबर, कोई नहीं था? कोई नहीं था मौके पर, कोई नहीं था। तो ये घटना कितने बजे की? लगभग घटना लगभग 3:30 से 4 के बीच में। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमारे वहां चितरहिया प्रथम से लगभग 500 मीटर दूरी पर एक भट्टा है, जिसके मालिक हैं हरीश प्रसाद वर्मा, और उसी भट्टे के उत्तर साइड में उन्होंने कुछ गड्ढे खुदवा डाले थे, जो लगभग 8 फुट के आसपास गहरान थी उसकी, और पानी बारिश के चलते उसी जलभराव के बराबर वो खेत के समतल बराबर हो गया। जो बच्चे पशु चराने के कारण वहाँ गए और बच्चों ने अनजान में उस गड्ढे में मतलब वो जान नहीं पाए पानी भरने के वजह से, और उसी गड्ढे में डूब गए, उसके मौत हो गई। जिसमें से रात्रि में ही एक बच्चे को, जो उनके पटीदार का एक लड़का था जसवंत कुमार का, उसको तो वहाँ मिट्टी दिलवा दिए उन लोगों ने। मुझे कोई सूचना भी नहीं दी गई है, ना मुझे किसी ने कुछ बताया है। मैंने अचानक एक लड़के से फ़ोन करके उसको बुलाया अपने यहाँ, तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है, और दो बच्चों की रात में पोस्टमार्टम कर दी गई। गोंडा में दो दिन से लगातार हो रही बरसात के चलते एक जर्जर पंचायत भवन की छत अचानक भरभराकर गिर गई, और इस छत के मलबे के नीचे दबकर एक युवक और एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से छत का मलबा हटवाया और दोनों मृतकों के शवों को बाहर निकाला। युवक और मासूम की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस शवों का पंचनामा भरकर विधिक कार्यवाही में जुट गई है। 5:30 बजे एक सूचना मिली थी कि ग्राम मीरपुर यूसो, ये थाना नवाबगंज तहसील तरबगंज क्षेत्र में आता है, वहाँ पे एक मिनी सचिवालय भवन के गिर जाने के कारण से दो बच्चों की दब करके मृत्यु हो गई है। इसमें बच्चों को भवन गिरने की सूचना के तत्काल बाद पुलिस और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन जब तक मलबा हटा करके और उनको निकाला जाता तब तक बच्चों की दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई थी। इसके संबंध में उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और साथ ही साथ ये संज्ञान में आया है कि मात्र 12 वर्ष पूर्व ये भवन बना था और DRGF योजना के तहत बनाया गया था। इतने कम समय के अंतराल में भवन का हल्की बारिश में भरभरा करके गिर जाना, ये निर्माण की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इस प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और इसमें संबंधित कार्यदायी संस्था का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। घटना की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। फिलहाल जिला अधिकारी ने इस हादसे की जाँच के आदेश दे दिए हैं, और पंचायत भवन का निर्माण कराने वाली कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही है। पंजाब केसरी के लिए गोंडा से ओमचंद शर्मा, बहराइच से काशिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।